स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान होती है इसके पॉलीनोमियल की डिग्री से, ठीक हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, और जैसे हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन या एलिमिनेशन मेथड से हम लोग एक्स और वाई को फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। आप एलिमिनेशन करो या आप साइमल्टेनियस इक्वेशन से करो, ठीक हो गया, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये हमारे पास कुछ मेथड है जिससे हम इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप देख सकते हो तो इक्वेशन वन जो है वो भी होल स्क्वायर में है और इक्वेशन टू भी होल स्क्वायर में है, ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट है, तो बेसिकली इसमें होल स्क्वायर में ये हमारे पास लीनियर है, जो इक्वेशन टू है ये लीनियर है। मेरे पास एक और क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा, उसके अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक है वो भी। तो दोनों क्वाड्रेटिक होने की वजह से हम फिर क्या करेंगे, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे, ठीक हो गया, या तो हम लोग फैक्टराइजेशन वगैरह करके उसके एक वेरिएबल को अकेला कर रहे हैं। अब बेसिकली इस इक्वेशन टू को हम थोड़ा सा छेड़ लेते हैं, हम ये कहते हैं कि 2x = y + 6 जो है इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। हम इस 6 को उठा के ना लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से लाने से क्या होगा कि हमारे पास y अकेला हो जाएगा। अब y अकेला होने से ये हमारे पास एक नई इक्वेशन डेवलप होती है जिसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे, जिसमें हमारे पास y जो है अब एक अननोन वेरिएबल के तौर पे जो है ये हमारे पास यूज हो रहा है, ठीक हो गया। अननोन वेरिएबल के तौर पे किस तरह के y = 2x - 6 है, ठीक है। अब ये y की वैल्यू उठाओ और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, आपका इक्वेशन ही सॉल्व हो गया। सो हम ये लिखेंगे कि y = 2x - 6 पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। अब जहां पे y है वहां पे हम लोगों ने इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। So, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y की जगह जगह 2x माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक हो गया। y की जगह उसकी वैल्यू आ गई 2x माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन के अंदर हमारे पास y खत्म ही हो गया। क्यों y खत्म हो गया? क्योंकि y की जगह उसकी वैल्यू आ गई, अब सिर्फ और सिर्फ x आ गया। अब जस्ट इन दोनों पे फॉर्मूला ओपन करें, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो साथ फॉर्मूला लिखवाएंगे a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a is x and b is 3, and plus b का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ये यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हो गया। प्लस यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करवाए तो 4x का होल स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर माइनस 2a is 2x and b is 6 and b का होल स्क्वायर 36 is equals to 5। ये हमारे पास एक नई इक्वेशन डेवलप हो गया, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 2 4 4 6 24 माइनस 24x प्लस 36 और माइनस 5 = 0। 5 को यहाँ पे शिफ्ट कर लिए, ठीक हो गया। एंड द अनदर स्टेप इज कि अब हम x स्क्वायर वाले को x स्क्वायर के साथ जमा कर लेंगे। सो 5x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4x, 5x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 24x। सो क्या आ जाएगा? माइनस 6x और माइनस 24x माइनस 30x, अगर सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक ना किया हो, ठीक हो गया। 9 प्लस 36, 9 और 36 इसमें प्लस करेंगे तो 45, 45 माइनस 5, 45 माइनस 5 इज 40। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन डेवलप हो गया, ठीक हो गया। अभी जो इक्वेशन आई है ना स्टूडेंट्स, इसको आप कर लो जी फैक्टराइज। अब फैक्टराइजेशन के लिए हमारे पास जस्ट क्या है, अब इसको करना है जी फैक्टराइज, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन सिंपल हम लोग कर सकते हैं, अगर यहां पर 5x स्क्वायर है और माइनस 30x है प्लस 40 है, सो इट्स राइट। पहले तो 5 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 5 कॉमन है सब में। x स्क्वायर माइनस 5 6 30 और 5 8 40 इज इक्वल टू 0। 5 दोनों साइड डिवाइड करवा लो, इधर भी और इधर भी। सो यहां से 5 और 5 कट हो गया, सो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करो, जो फैक्टराइजेशन का टर्म है बेसिकली, रुके मैंने कैमरा एडजस्ट किया हुआ, आपको नजर आ रहा है, ठीक हो गया, आपको नजर आ रहा है, ठीक हो गया। बेसिकली मेरा बोर्ड छोटा हो गया तो मैंने कहा ये ना हो कि मैं कैमरे के उस साइड काम करो फिर आप लोगों को नजर ही ना है। अब आपने जस्ट क्या करना है, पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। सो 8x स्क्वायर यहाँ पे लिख लेना है और माइनस 6x यहाँ पे लिख लेना है। अब हमें दो ऐसी टर्म चाहिए जो 4, अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 8 आ जाएगा, 2 4 8। लेकिन हमने साइन का भी ख्याल रखना है, यहाँ पे पॉजिटिव 8 है तो हम बड़ी वैल्यू के साथ फिर पॉजिटिव साइन लगा लेंगे, ठीक हो गया। नहीं, बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस 6 चाहिए। सो बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव और छोटी वैल्यू के साथ पॉजिटिव। सो 2x माइनस 4x, 2x माइनस 4x ये तो हमारे पास आ रहा है, 2x माइनस 4x इज इक्वल टू, अगर हम माइनस और ऐड करें तो माइनस 2x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 6x, ठीक हो गया। एंड अगर 2x को माइनस 2x को मल्टीप्लाई करें माइनस 4x है, सो यू राइट दिस प्लस 8x स्क्वायर, तो ये हमारे पास ठीक टर्म है, ठीक हो गया।
सो हम इसकी बात इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सो फैक्टराइजेशन से हमारे पास जो मिडिल टर्म मिली वो हमें मिली -2x -4x +8=0। यहां से x कॉमन आ जाएगा सो x -2, यहां से -4 कॉमन आ जाएगा सो x -2=0। x -2 एक आंसर आ गया और x -4 आ गया, ठीक हो गया। फैक्टराइजेशन के बाद x = 2 एक आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक हो गया, और x = 4 एक आंसर आ रहा है क्योंकि 0 के कोल रखा। अब जो हमारे पास स्टूडेंट्स x आए ना, इन x दोनों x को उठा के हम लोगों ने इक्वेशन 2 में चाहे या इक्वेशन 3 में चाहे पुट कर लें, सो आपके आंसर्स ही सॉल्व हो जाएंगे। यहां मैं कर रहा हूं x = 2 पुट, ठीक हो गया, और यहां मैं कर रहा हूं x = 4 को पुट, ठीक हो गया। इन कौन सी इक्वेशंस के अंदर? इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 3 के अंदर कर लेते, ठीक हो गया, इक्वेशन नंबर 3, ठीक हो गया। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारे पास, क्योंकि y उसमें सेपरेट है, तो हम कर लेंगे y is equals to 2x minus 6, y is equal to 2x minus 6, ठीक हो गया। सो y is equals to 2, x की जगह 2 minus 6, y is equals to 4 minus 6, सो y is equals to minus 2, ठीक हो गया। ये एक y का आंसर आ गया, एंड द अनदर इज y is equals to 2 और 4 और minus 6, सो y is equals to 8 minus 6, सो y is equals to minus 2 और plus 2। So y के भी दो आंसर आ गए, प्लस एंड माइनस 2, प्लस एंड माइनस 2, और x के 2 और 4 आ गए। यहां से ये आपके पास एक अलग सेपरेट कॉन्सेप्ट है, ठीक हो गया। कुछ आप लोगों को यहां से आइडिया हो गया होगा कि हम कैसे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, हम कैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इंतहाई आसान था, आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी। तो दोस्तों आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, ताकि अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर सके। मैथमेटिक्स की और वीडियोस आने वाली, दिन में 3-4 वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक हो गया। सो सब्सक्राइब फॉर मोर, शुक्रिया।